अमृत काल के इस बजट का अगर देश के किसी एक राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा तो उस राज्य का नाम बिहार है। केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में इस साल बिहार को 1,07,000 करोड़ का मिलेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25,000 करोड़ रुपये ज्यादा है। इतना ही नहीं तो बिहार को जो ऋण स्वीकृत है, जो ऋण लेने की सीमा निर्धारित है, उसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त का ऋण मिलेगा, जो कर्ज बिना ब्याज का होगा और जिसको 50 साल के भीतर भुगतान किया जा सकेगा। सबसे ज्यादा गरीब देश के अंदर बिहार के अंदर है, तो पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनेंगे तो सर्वाधिक मकान तो बिहार में ही बनेंगे। और पीएम आवास योजना की राशि को 70% बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तो जो लोग कहते हैं कि बिहार के कुछ नहीं, वो बताएं कि केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपया मिलेगा तो क्या वो बिहार को नहीं मिल रहा है? क्या 13,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त ऋण मिलेगा को बिहार को नहीं मिलेगा? क्या पीएम आवास योजना के मकान बिहार में नहीं बनेंगे? और जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है तो बिहार के भी जो लाखों मध्यम वर्गीय के लोग, उनको इसका लाभ मिलेगा? फिर महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान किया गया इस बजट में, उन सारी चीजों का लाभ तो सबसे ज्यादा बिहार को ही मिलेगा। और लगभग 2,47,000 करोड़ रुपया रेलवे के अंदर का प्रावधान किया गया। नीतीश जी कहते थे रेलवे का क्या हुआ, तो नीतीश जी आज तक का सर्वाधिक रेल में विकास योजनाओं के लिए खर्च के लिए 2,47,000 करोड़ रुपया इस बार रेल बजट में प्रावधान किया गया है। और विकास कार्यों के लिए एक साल में 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।